पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और जंगलों के विस्तारीकरण के लिए प्रदेश भर में वन महोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। रविवार को शिमला के समर हिल स्थित चैडविक फॉल क्षेत्र में नेरी पंचायत और प्रभात युवा मंडल सनहोग द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देवदार के लगभग 150 पौधे लगाए गए। इस मौके पर हिमाचल पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष हरीश चनार्था और वन विभाग के DFO विनोद शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष हरीश चनार्था ने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पंचायत व युवा मंडल की सराहना की। उन्होंने कहा कि पौधारोपण पर्यावरण के लिए आवश्यक है। हरीश चनार्था ने कहा कि चैडविक फॉल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पर्यटकों की आमद हमेशा रहती है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को और अधिक विकसित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। जिस तरीके से शिमला और इर्द-गिर्द के जो हमारे एरिया है, तो उस एरिया में हमारा देवदार का काफी कंसंट्रेशन काफी अच्छी है और वहाँ पे हमारे जो फॉरेस्ट है काफी घना जंगल नया भी पैदा हो रहा है देवदार का। कुदरती इस पॉकेट में चैडविक फॉल के इर्द गिर्द और नेरी पंचायत के इर्द गिर्द यहाँ पे देवदार की जो हमारे ट्रीज है या पुराने पेड़ है बहुत कम है। यहाँ पे बान है और कायल है काफ़ी। हमने इसमें जब राउंड लगाया वहाँ से 1 किलोमीटर हम मेन रोड से इधर को आए हैं, तो हम ये देख रहे थे कि वहाँ पे द्यार का बहुत कम मतलब पौधा दिख रहा है। तो कुछ एक पौधे पिछले 3-4 साल से यहाँ पे आप लोगों ने लगवाए हैं और मुझे आप लोगों के माध्यम से जो पता चला कि सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। तो इस साल भी यही आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है कि देवदार के पौधे लगने चाहिए, तो आज हम ये देवदार के ही पौधे यहाँ पर 100-150 जितने भी आपकी सैम्पलिंग हमें मिली है वही लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि देवदार का यहाँ पे आने वाले वक्त में देवदार का भी यहाँ पे घना जंगल तैयार हो जाएगा और उसके जो बेनिफिट्स हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे ख्याल में बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएंगे।